आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस सो so, आज का क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है वो एक असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है असर्शन वो स्टेटमेंट होता है जो क्लेम किया जाता है क्वेश्चन में एंड ये फैक्ट्स के मुताबिक फॉल्स या ट्रू होता है रीज़न अगर उसके सपोर्टिंग में है तो फिर उसको ट्रू बोलते हैं एंड अगर नहीं है तो उसको फॉल्स बोलते हैं सो so, ये क्वेश्चन हमारे सेमी कंडक्टर पर दिया है एंड स्पेशली हमें इसमें रिलेशन देखना है रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का सो so, जो इन लोगों ने क्लेम किया है वो है कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है अगर हमने सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड कैप डायग्राम पढ़ा है इसको एनर्जी बैंड डायग्राम कहते हैं तो हमको पता है कि इस डायग्राम में हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है एंड एक कंडक्शन बैंड होता है सो दिस इज द दैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप कहते हैं सो सेमी कंडक्टर्स में ये एनर्जी बैंड गैप हमारा कंडक्टर्स से बड़ा होता है बट इंसुलेटर से छोटा होता है सो so, इसकी वजह से हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में वो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं सो दे कैन गो टू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट सो दिस मीन्स कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे एंड सो द कंडक्शन वुड इनक्रीज एंड क्योंकि हमारा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है उसकी वजह से हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी So that means, our assertion is because we are going to write a few equations to prove that the current flow in the semiconductor is determined by this formula: n e a into v d. So, is फॉर्मूले में हमको एन से मतलब है जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढेंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा एंड क्योंकि हमको पता है कि आर इज इक्व टू बी बाई आई तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी रेजिस्टिविटी भी कम होगी सो दिस मीन्स कि हमारा जो असर्शन है वो एकदम सही है एंड इज़ ऑल्सो राइट क्योंकि इफ़ इट वर नॉट स्मॉल इनफ तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा ही नहीं पाते सो so, उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते भी तब भी एंड दिस इज़ वेरी क्लियरली सीन इन द केस ऑफ़ इंसुलेटर्स आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर